जरूरी है और मैं ये मानता हूँ कि आज हॉस्पिटल्स एक बॉडी है जिसे NABH कहते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इसके अंदर हॉस्पिटल का रेगुलेशन किया जाता है और ज्यादातर हॉस्पिटल्स इसके अच्छे हॉस्पिटल्स जो कि नामी प्रसिद्ध हॉस्पिटल है वो NABH एक्रेडिटेड है। और इन सभी हॉस्पिटल में एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक्टिवेट ऐसी ओकेशन गॉड फॉरबिडन के लिए ही है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम इस चीज को मानते हैं और फुली इंडोर्स करते हैं। और एक जिसे कहते हैं ना अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जैसे पैनल्स को और लो पेइंग जो पैनल्स हैं उनकी तरफ ज्यादा हम काम करते हैं। तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए भी हमारा ये मानना है कि हम पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैंने NABH का बताया उससे हमें एक बहुत ही शानदार प्रोसेस ऐसी एपिडेमिक्स को डायग्नोस करने का और मैनेज करने का प्रोएक्टिवली उसका पूरा एक फ्लो चार्ट एक पूरा प्लान हमारे पास है। और ये इस सिस्टम प्रोसेसेस और आउटकम्स के अंदर हम इसे मॉनिटर करते हैं और उनको क्या उनके क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वो बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि आइसोलेशन बेड्स की अवेलेबिलिटी, बेड एनहांसमेंट फैसिलिटी जो कि फुली कवर्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में, किस तरीके से आप आइसोलेशन और किस तरीके से आप उसको, क्योंकि इसमें जो पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तो सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, रेडियोलॉजिकली एक्सरेस की भी जरूरत पड़ती है। नॉट ओनली दैट, इसके अंदर कहीं और तरीके के हैं जो डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, अर्ली स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या, फर्स्ट वीक में क्या है, सेकेंड वीक तक क्या, तो डायग्नोसिस करने के लिए एक पूरा उसका प्रोटोकॉल है। तो जिसके अंदर डेफिनेटली कोरोना वायरस के लिए जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट है, बट एक्सरेस का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और ICU फैसिलिटीज स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो गॉड फॉरबिडन इवेंचुअलिटीज होती है, इंडिया में एक्चुअली इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, और ये दोनों ही कोमॉर्बिडिटीज हैं जो कि कोरोना वायरस के साथ एसोसिएटेड है। तो इसलिए इंडिया में रिस्क ज्यादा है, तो प्रिकॉशंस का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए और ज्यादा जरूरी है हम इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ICU की जो फैसिलिटीज हैं, जिसमें बेड टू बेड स्पेस, क्यूबिकल्स, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन, तो डेफिनेटली हम इसे बड़ा एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं।